रोहतक जसिया रैली में देश भर से पहुंचे जाट नेता, रैली में उमड़ा जनसैलाब। जसिया की रैली में छाए संत रामपाल दास समर्थक। रैली में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा अभय सिंह चौटाला ने। यशपाल मलिक ने कहा, राजकुमार सैनी ज्योतिबा फुले के नाम पर कर रहे हैं राजनीति। पिछले कई दिनों से चर्चाओं में रही जसिया रैली में आज हरियाणा के विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। अभय सिंह चौटाला ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से भी कई सवाल पूछे। अभय चौटाला ने कहा कि 3 सालों में हरियाणा को तोड़ने की कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन प्रदेश टूटा नहीं। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस भ्रम पैदा करती थी, अब भाजपा पैदा करती है। अगर नीयत साफ होती, आरक्षण देना होता, आरक्षण के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ते तो वीरेंद्र सिंह जी उस कमेटी के मेंबर थे जिस कमेटी का समझौता सरकार के साथ हुआ था, और उस समझौते के अंदर ये फैसला हुआ था कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण देने की बजाय लोगों को सड़कों पे बैठने पे मजबूर किया इन्होंने। हमारे 32 इनोसेंट बच्चों को मौत के घाट उतारा इन्होंने। हजारों करोड़ की संपत्ति इन लोगों की वजह से नष्ट हुई। हरियाणा प्रदेश में भाईचारे में भी कड़वाहट आई। आज जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने फिर कहा कि आरक्षण दे करके रहेंगे, अगर ये आरक्षण देंगे तो हम 100% इनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन किसी के सीने पे गोली मारो, किसी को मारने के साथ उसको ये कहो कि तुम देशद्रोही हो, और उन्हीं लोगों के बीच में आकर के आज आप कहते हो कि हम आरक्षण देंगे। पहले तो इन लोगों से इनको माफी मांगनी चाहिए खड़े होकर के, कि भी हमारी बेकायदगी और गलतियों की वजह से आप लोगों पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ था। अंदर बहुत सी ताकतों ने आपस में इनको तोड़ने के प्रयास किए, इन 3 वर्ष में तो कोई कमी छोड़ी नहीं। उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में आज भी कहीं आपसी भाईचारे में कोई कड़वाहट नहीं है। आज आप जो जींद में हुआ उसकी तुलना इसके साथ करके देख लें, वहाँ भाईचारा तोड़ने की बात कही जा रही है, यहाँ भाईचारा बढ़ाने की बात। आपने राजकुमार सैनी का जिक्र किया था, राजकुमार सैनी का आपने जिक्र। रैली में मौजूद केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे आरक्षण देकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में कुछ खामियां रही हैं जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। मैं इसलिए कहा कि हमारा एक बिल अभी पेंडिंग है जो पार्लियामेंट में इस सेशन में आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन की अवधि में वो बिल पास होगा और फिर ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा मिलेगा और उसकी प्रक्रिया में भी परिवर्तन आएगा। उस नई प्रक्रिया के तहत मैं समझता हूँ जाट आरक्षण समिति के जो हमारे साथी हैं वो फिर से दोबारा से नए परिपेक्ष में अपनी मांग उठाएंगे, क्योंकि पिछला जो गलती हुई है वो ये हुई कि कांग्रेस के टाइम में जो ओबीसी कमीशन था उसने रिपोर्ट तो हमारे विरोध में कर दी। कांग्रेस ने पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया आरक्षण देने का, वो रिपोर्ट खराब होने की वजह से, हमारे विरुद्ध होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में वो स्ट्राइक डाउन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो गया। अब ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। चौधरी साहब, आपके इस रैली के संयोजक जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि 3 दिसंबर को वो अब आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। साथ ही उन्होंने हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर के बाद से पूरे हरियाणा में उन्हें घेरा जाएगा। 3 दिसंबर को मीटिंग है, पूरी रणनीति
उसमें खोल देंगे, क्योंकि आज भूमि पूजन और शिलान्यास था, हम मंच से कुछ बात कहने नहीं चाह रहे थे, 3 दिसंबर को सारी बातें कहेंगे। जिस तरह की ये सरकार है, जिस तरह की साजिश करता ये है, उस तरह की सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा ये तो पता नहीं, पर जाट समाज पे फर्क पड़ चुका। जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी दौलत के दरवाजे के दम पर समाज को बांटना चाहता था, उसको करारा तमाचा है। अभी ये बहिष्कार रोहतक तक है, अभी ये बहिष्कार पूरे हरियाणा में, तारीखें तय करेंगे 3 दिसंबर से कि पूरे हरियाणा में कैसे घुसेगा, कहां मीटिंग करेगा। यशपाल मलिक ने सांसद राजकुमार सैनी को शिखंडी करार दिया। उन्होंने कहा कि राजकुमार सैनी ज्योतिबा फुले के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वो राजकुमार सैनी की रैली जैसे आज हमने चौधरी छोटराम पे गया, उन्होंने ज्योतिबा फुले के नाम पे वो रैली की थी। राजकुमार जो सैनी है वो शिखंडी की तरह आड़ लेके काम करता है, कभी 35 के नाम पे आड़ लेना चाहता है, कभी ज्योतिबा फुले के नाम पे। ज्योतिबा फुले बहुत महान व्यक्ति थे, उनका तमाम देश रेस्पेक्ट करता है। उसकी रैली में जिस तरह का माहौल उसने यहाँ हरियाणा में क्रिएट कराने का काम किया, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग ज्योतिबा फुले के अनुयायी नहीं हो सकते। उनके ये ज्योतिबा फुले के नाम पे अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं।